नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी, आपका अपने चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन हाइपेरिकम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपेरिकम किन सिम्टम्स में यूज़ की जाती है और किन बीमारियों में इसे पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों, हाइपेरिकम एक वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। दोस्तों, हाइपेरिकम दवाई को सबसे ज़्यादा चोट के कारण नसों के दर्द में यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को चोट के कारण नसों में दर्द होता है, जैसे अगर किसी पेशेंट को हाथों की उंगलियों में दर्द हो चोट के कारण, या फिर पैरों की उंगलियों में दर्द हो, हथेलियों में दर्द हो, या फिर नाखूनों में दर्द हो, कील और सुई चुभने के बाद अगर पेशेंट को दर्द हो, या फिर पेशेंट का ऑपरेशन हुआ हो यानी सर्जरी हुई हो, सर्जरी के बाद हुए दर्द में इस दवाई को देने से पेशेंट में रिलीफ मिलता है। दोस्तों, नसों की चोट के लिए ये एक एक्सीलेंट रेमेडी है। दोस्तों, अगर पेशेंट को अफेक्टेड पार्ट पर यानी जहाँ चोट लगी हो वहाँ सुनपन हो, या फिर पेशेंट को जलन हो, या फिर झंझनाहट जैसे सिम्टम्स आते हों, तो ऐसे केस में इस दवाई को देने से पेशेंट को आराम मिलता है। किसी भी टाइप की इंजरी के बाद अगर पेशेंट को अकड़न हो, सीवियर पेन हो, नसों के दर्द में इस दवाई को देने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। दोस्तों, हाइपेरिकम दवाई के सिर दर्द में सिम्टम्स देखे जाएं तो पेशेंट को सिर दर्द के साथ सिर में भारीपन महसूस होता है। साथ ही दोस्तों, पेशेंट को ऊपरी हिस्से में गर्माहट महसूस होती है, पूरे फेस की नसों में दर्द होता है, दर्द दांत, कान, आँखों से निकलता है, चक्कर आने पर पेशेंट को सिर बड़ा लगने लग जाता है। दोस्तों, रात को पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है। दोस्तों, इसके पेट के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को शराब पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, जीभ पर पेशेंट की सफ़ेद परत जमने लग जाती है। दोस्तों, पेशेंट को बेचैनी भी होती है और पेशेंट के पेट में गोला जैसा फील होता है, जैसे कुछ गोला उसके पेट में रखा हुआ है। दोस्तों, हाइपेरिकम दवाई के और सिम्टम्स की बात करें यानी बॉडी में अगर पेशेंट को कहीं पेन होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को अगर शोल्डर पेन हो तो उसमें भी इस दवाई को यूज़ किया जाता है। थाइज में ऐठन हो तो भी इस दवाई को यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, अगर पेशेंट गलत तरीके से सो जाता है तो उठने के बाद पेशेंट को गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द के साथ जकड़न भी पेशेंट को महसूस होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेशेंट की हाथों की उंगलियों, पैरों की उंगलियों, हथेलियों, इन जगह पर कुचलने जैसा दर्द हो, वो चाहे किसी चोट के कारण हो, तो ऐसे सिम्टम्स में हाइपेरिकम दवाई देने से पेशेंट को दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, इस दवाई के सांस के सिम्टम्स की बात करें यानी जो दमे के पेशेंट होते हैं उनमें भी इस दवाई को यूज़ किया जाता है। अगर पेशेंट को धुंध आने पर यानी सर्दियों के दिनों में रोग बढ़ता हो। दोस्तों, इसके और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ख़ासतौर पर जब पेशेंट सुबह उठता है तो पसीना ज़्यादा आता है। तो इस दवाई के एग्रावेशन की बात करें यानी पेशेंट को परेशानी कब ज़्यादा होती है, पेशेंट को परेशानी छूने पर ज़्यादा होती है, बंद कमरे में होती है, या धुंध आने पर होती है। तो अगर ये सब बीमारियाँ आपके इन सिम्टम्स पर हो, इन एग्रावेशन पर हो, तो आप हाइपेरिकम दवाई का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, हाइपेरिकम या होम्योपैथी की किसी भी दवाई का सेवन खुद से नहीं करना चाहिए यानी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को आपको मिल सकते हैं अगर आप दवाइयों का खुद से सेवन करते हैं। इस दवाई को सबसे ज़्यादा 30 CH और 200 CH में यूज़ किया जाता है, लेकिन डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कौन सी पोटेंसी और उसकी क्या डोज रहेगी। दोस्तों, अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं या आपको कोई परेशानी नई आ रही है और आप उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं या कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।